फायर एनओसी की चेकिंग को लेकर एक बार फिर वडोदरा फायर विभाग काफी सतर्क बनते हुए कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया जा रहा है, जहां आज भी शहर भर की कई अस्पताल में फायर एनओसी की चेकिंग प्रक्रिया जारी करते हुए 5 जितनी हॉस्पिटल को सील किया गया। वडोदरा शहर में फायर सेफ्टी की सुविधा के बिना सालों से कार्यरत वैसे 96 जितने अस्पतालों में से आज 5 अस्पताल को वडोदरा फायर ब्रिगेड द्वारा सील किया गया। ढेरों बार फायर सेफ्टी के बारे में नोटिस देने के बावजूद अस्पताल संचालकों द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लेते हुए अब वडोदरा फायर विभाग द्वारा तमाम हॉस्पिटल को सील मारने की कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया जा रहा है, जहां आज वडोदरा शहर भर में तमाम फायर एनओसी की चेकिंग प्रक्रिया जारी करते हुए फायर सेफ्टी के बिना चलती वैसी अन्य अस्पताल वैसी 5 जितने हॉस्पिटल को सील करते हुए अस्पताल के संचालकों में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। कोरोना काल के दौरान वडोदरा शहर सहित कई हॉस्पिटल में छोटे बड़ी आग की दुर्घटना प्रकाश में आई, जो ये आग की दुर्घटना में कई लोगों की मौत भी हुई। बार बार घटित होती इस प्रकार की आग दुर्घटना को हाईकोर्ट द्वारा फायर सेफ्टी के मुद्दे टकोर की गई थी, तो वहीं वडोदरा फायर विभाग द्वारा अब लाल आग करते हुए वडोदरा शहर की तमाम हॉस्पिटल में चेकिंग प्रक्रिया जारी की गई है। जब वडोदरा शहर में कुल मिलाकर 646 हॉस्पिटल आई हुई है, जिनमें से 96 जितने हॉस्पिटल के पास कोई भी फायर एनओसी नहीं है। हॉस्पिटल को फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस भी दी गई है, बावजूद हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा इस बारे में कोई भी कामगिरी नहीं करते हुए आज 5 जितने हॉस्पिटल में चेकिंग प्रक्रिया के दौरान फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं पाते हुए सील किया गया, जिसमें से वडोदरा के विविध अस्पताल में आई हुई वैसी मकरपुरा जीआईडीसी कॉलोनी में स्थित चिराग क्लिनिक एंड नर्सिंग होम, मांजलपुर में स्थित द्वारकेस हॉस्पिटल, खोड़िया नगर व्रजधाम सोसाइटी के पास आई हुई साई हॉस्पिटल तथा आयुर्वेदिक तीन रास्ते के पास आई हुई चिरंजीवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सील किया गया है। तो वहीं शाम तक अन्य अस्पताल में भी चेकिंग प्रक्रिया करते हुए ये अस्पताल को सील करने की कार्यवाही का आंक भी बढ़ सकता है, जहां आने वाले दिनों में इस प्रकार की कामगिरी करने के साथ अस्पताल के संचालकों में भी भगदड़ का माहौल पैदा हुआ है। અહીંયા મકરપુરાની અંદર જીઆઈડીસી કોલોનીમાં ચિરાગ નર્સિંગ હોમ કરીને હોસ્પિટલ છે, ત્યાં સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી સાધનો ન લગાડ્યા હોવાના કારણે અને ફાયરનું એનઓસી ન મેળવ્યાના કારણે અમારા સીએફઓ શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબના હુકુમથી હું અને મારી ટીમ ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળ પર આવી તેમને બંધ કરવાની નોટિસ આપેલ છે અત્યારે હાલમાં, અને જ્યાં સુધી નવા દર્દીઓ પણ લેવા નહીં, જે દર્દીઓ અત્યારે સારવાર હેઠળ છે તે લોકોને કન્ટિન્યુ રાખવા, તેના પછી કોઈ પણ પ્રકારના દર્દીઓ લેવા નહીં તેવી પણ આપણે અત્યારે સૂચના આપી છે. બીજી કોઈ ટીમ નીકળી છે આપણે? હા, આપણી ટીમ પણ વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સીની ટીમ છે અને સાથે સાથે ટીડીઓનો સ્ટાફ પણ અમારી પાસે જોડે છે ટીમની સાથે. કેટલા હોસ્પિટલને સીલ કરો? આપણે આજે લગભગ 5 હોસ્પિટલ્સનું ટાર્ગેટ છે. આજે હવે જે રીતે અમને ઉપરથી સીએફઓ સાહેબ ઓર્ડર આપશે તે રીતની કામગીરી કરીશું.